नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नकोदर में फिरौती की मांग को लेकर कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। 30 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। फगवाड़ा के नजदीकी गांव पांचटा में आपसी रंजिश के चलते हुए विवाद में चली गोली, एक व्यक्ति घायल। जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अड्डा किशनगढ़ के नजदीक लुटेरों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। नकदी, मोटरसाइकिल, चांदी का कड़ा और मोबाइल लूटकर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में फिरौती के नाम पर आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताजा मामला जालंधर के हल्का नकोदर में देखने को मिला, जहां 3 से 4 आरोपियों ने कपड़ा व्यापारी भूपेंद्र सिंह उर्फ टिम्पी की 30 लाख रुपए की फिरौती ना देने पर सरे बाजार गोलियां मारकर हत्या कर दी। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि कपड़ा कारोबारी के साथ पुलिसकर्मी होने के बावजूद भी उसकी हत्या करने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई, जिसमें एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जालंधर के अस्पताल में रेफर किया गया है। कपड़ा कारोबारी भूपेंद्र सिंह उर्फ टिम्पी ने कुछ दिन पहले पुलिस विभाग में 30 लाख रुपए की फिरौती से धमकी भरा फोन आने के बाद शिकायत दर्ज करवाई थी और उसकी शिकायत पर पुलिस विभाग ने मामला दर्ज कर उसे 2 सुरक्षाकर्मी भी दिए थे। इस बारे में जब जालंधर रेंज के IG गुरशरण सिंह संधु से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने माना कि यह दुखदाई घटना कैसे घटित हुई, इसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं नकोदर सिविल अस्पताल की महिला डॉक्टर ने बताया कि मृतक भूपेंद्र सिंह के शरीर पर 3 से 4 गोलियों के निशान थे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एम्बुलेंस जो आया, केस नाम है भूपेंद्र सिंह सन ऑफ हरमिंदर सिंह, 40 ईयर ओल्ड मेल। ते साडे को ब्रॉड डेड ही आया थी पेशेंट, ते ओदी बॉडी ते राइट साइड ते ऑलमोस्ट 3 to 4 गनशॉट वुंड्स दे निशान है। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿਲਿਮਨਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੈਪਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਪਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ फगवाड़ा के नजदीकी गांव पांचटा में आपसी रंजिश के चलते हुए विवाद में एक व्यक्ति गोली लगने के कारण घायल हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्ति सतपाल ने बताया कि उसका पांचटा के मॉडल टाउन में लक्कड़ का टाल है, उसी के गांव के गोपाल और साहिल के साथ उसकी पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते उन दोनों ने उसके साथ झगड़ा किया। इस झगड़े के दौरान दोनों व्यक्तियों ने उस पर गोली चला दी जो कि उसके हाथ में लगी, जिस कारण वह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सिविल अस्पताल फगवाड़ा में दाखिल करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। उसने बताया कि इस घटना संबंधी पुलिस को सूचित कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में थाना रावलपिंडी के SHO जितेंद्र कुमार ने बताया कि उक्त मामला पुरानी रंजिश का है। पुलिस की ओर से पीड़ित व्यक्ति के बयानों के आधार पर अगली कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रिवॉल्वर लाइसेंसी है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मामला सर इदा है भी मैं मेरा कुछ बंदे ना केस चलता है, साहिल होना ना तो गोपाल होना ना। किस चीज दा? मेरे घर मारना आ गया सी अगे। अच्छा जी। तां ओ केस चलता सी तां मैनूं सामने दुकान वाले तों फोन करा के मैनूं सद लिया, दुकान ते आई गाहक आए हुआ टाल बालन आले। अच्छा जी। जो सर मैं उत्थे गया तो उत्थे मैंने इदा गल बात करन लग पिया भी किदा करनी केस दी। मैं कहा नबेड़ लो जिदा करनी कर लो है ना। तो कहिंदा हुण भैन चोद कहिंदा सारा तां तू कम कर दिता, गवाहियां कराती हैं, हुण साडे पल्ले की आ, कहिंदा हुण तू भी तैयार हो जा फिर जाण नूं उपर। अच्छा। इन्नी गल कह के भाजी उन्हें फैर कढ के मेरे मार दिता। ਗੋਪਾਲ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਾ ਮਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਵਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਤਪਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਚਾ ਸੀ 4/18 ਉਸ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਰ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਪਰ ਸਥਿਤ ਅੱਡਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੁਟੇਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕੋ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਉਸਸੇ ਨਕਦੀ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੀਨ ਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇ ਭਾਈ ਸਨੀ ਵ ASI ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਲੈਦਰ ਕਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾ ਜਬ ਵਹ ਅੱਡਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਤੋ ਪੀਛੇ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨੇ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਰੋਕਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੇ ਪੀਛੇ ਰੱਸੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਬ ਉਸਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾ ਤੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਕੀ ਪਿਟਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਉਸੇ ਰੱਸੀ ਸੇ ਬਾਂਧ ਕਰ ਜੇਬ ਮੇਂ ਪੜਾ ਪਰਸ ਹੱਥ ਮੇਂ ਪਹਿਨਾ ਹੁਆ ਚਾਂਦੀ ਕਾ ਕੜਾ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਥਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਕੋ ਦੇ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ASI ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਮ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ DU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਸ਼ੈਵਲਟ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਦੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁਛ ਰੱਸੀ ਰੁੱਸੀ ਕੁਛ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੇ 'ਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਈ ਦੂਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਤੀੜ ਕੀਤੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਕੜਾ ਸੀਗਾ 7,500 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਮਨ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ AR ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚੋਂ 3 ATM ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਨ ਰੱਖੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕਨਪੱਟੀ 'ਤੇ ਗੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਆ ਰਮੂ ਸਨ ਆਫ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਓਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸ਼ੈਵਲਟ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਫਸੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ATM ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲਹਾ ਲਿਆ 300 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਓਪੋ A54 ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਏ ਆ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से विशेष बच्चों के लिए करवाई गई राज्य स्तरीय खेलों के उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दो तरफा मुकाबला है वहीं उन्होंने कहा कि हालांकि MCD चुनावों और गुजरात में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है वहीं दिल्ली और पंजाब में पार्टी की सरकार है उन्होंने पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग में किए जा रहे सुधारों के बारे में भी बताया वहीं उन्होंने जालंधर के सरकारी स्कूलों की काटी गई बिजली को दोबारा शुरू करवा दिया है वहीं उन्होंने बिजली मंत्री को अपील की है कि अगर किसी सरकारी स्कूल का बिजली बिल बकाया है तो उसका कनेक्शन ना काटा जाए इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में कोई भी नाजायज माइनिंग नहीं हो रही है
लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। दो दिन पहला आनंदपुर साहब दे विच राज पद्धरी प्राइमरी खेडां दा उद्घाटन किया गया सी। उसी दे तहत अज पहली बारी पंजाब दे विच लुधियाने शहर दे विच जिहड़े साडे स्पैशल बच्चे ने परमात्मा वालों जिन्हां ते स्पैशल कृपा ने स्पैशल बच्चे ने स्पैशली एबल्ड ने उन्हां दीआं खेडां दा उद्घाटन ते इत्थे पहुंचे हैं। तो पहले हर बच्चे नूं खेडण दा हक है तो बड़ी खुशी वाली गल है। नाल ही भगवंत मान साहब की सरकार वालों लगातार पिछले कई महीनों तो सिक्ख्या के महकमे के कई क्रांतियां लेके आई जा रही, चाहे स्कूल ऑफ फेमिनेंस होन, कच्चे टीचरों पक्का करना होवे, स्कूलों का नाम बदलना होवे, शहीदां दे नाम दे उत्ते स्कूल रखने होण, जिहड़े आपत्तिजनक नाम ने कई स्कूलों के वह बदले जाण वाले होण। इस तों अलावा हाल ही दे विच साडे वल्लों एक मुहिम मिशन 100% के गिव योर बेस्ट, क्योंकि कोरोना करके पिछले 2 सालों के पेपर बहुत सौखे होने लग गए सी, बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पिया, तो दोबारा एक बार स्कूलों के सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आन। मिशन 100% जिस ते शुरुआत की गई सी एक हफ्ते पहला, तो हर हफ्ते हर बच्चे का रिजल्ट चैक होंदा, तो तुसी आने वाले दिनों देखोगे कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते फिर एक बार सरकारी स्कूलों के पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, होर इदा के बहुत सारे सुधार होंगे। नाल ही एक मसला जी, बड़ा गंभीर मसला, आप सब साथियों के राही क्योंकि मीडिया अक्सर बहुत कई बार जो साड़ियाँ कमियां ने, कहले मैं हमेशा क्या कोई भी सरकारी स्कूलों कमियां ने तो जरूर साढ़े सामने लेके आओ। तो कल एक बहुत मेरे सामने जलंधर के शाहकोट के कुछ स्कूलों का मसला आया जिथे बिजली है नहीं, तो उस उत्ते सख्त नोटिस लेंदे हुए अज असी डीओ जलंधर नूं इंश्योर करा दिता गया कि सारे स्कूलों बिजली अज ही आवे। तो नाल ही मैं बिजली मंत्री जी नूं पत्र भी लिखूंगा कि किसी भी सरकारी स्कूल की बिजली किसी कीमत पर ना कट्टी जाए जी। अगर कोई बकाया है तो असी देने नूं तैयार हैं, मैं अपनी तनखाह चों देने नूं तैयार हैं, पर कोई भी सरकारी स्कूल इलैक्ट्रिसिटी तो वांझा नहीं रहना चाहिए। बड़ा गंभीर मसला है, तो मैं मीडिया का धन्यवाद करदा कि इदां दा गंभीर मसला लैके आने लई। मेरी अज सवेरे भी गल हुई है तो इन्हें इंश्योर करा। पुलिस कमिश्नर जालंधर एस भूपती के दिशा निर्देशों के अनुसार चोरों और शरारती तत्वों के खिलाफ चलाई गई विशेष मुहिम के तहत एंटी नारकोटिक्स सेल और CIA 1 की टीम ने संयुक्त तौर पर कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, निवासी गांव रानीपुर थाना रावलपिंडी जिला कपूरथला, और परमवीर सिंह निवासी गांव रानीपुर थाना रावलपिंडी जिला कपूरथला के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 290 ग्राम सोने के आभूषण, 9,220 पौंड और एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये साढ़े दो एक दो तरीक दरमियानी रात को थाना रामा मंडी के एरिए किसी घर के चोरी की गई थी, जिस असी एक मुकदमा 346 नंबर मुकदमा 457 380 दो तरीक न जरा रामा मंडी थाने जो दर्ज किया एक सबका फौजी के घर के घर तो गए हुए उस उन्होंने काफ़ी 40 तोले के लगभग सोना सी, तो प्लस उन्होंने 10,000 जोड़े हैं पाउंड से कुछ इंडियन करंसी से, तो वो साड़ी जी CI की टीम ने ADCP कमलप्रीत साढ़े ACP परमजीत इंचार्ज CI इंद्रजीत सिंह तक इन्होंने अच्छी मेहनत की है। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जरा दोनों दोषी गिरफ्तार कर लिए हैं। जी उन्होंने उदो चोरी के दौरान वारदात जी कार वरती सी बरामद कर ली है, तो 95% जी सारी ऑर्नामेंट्स जोड़े गहने तो प्लस जी करंसी सी फॉरन करंसी पाउंड सी वो सारे जोड़े रिकवर करके दोषियों गिरफ्तार करके रिमांड लिया। सर चोरी का काम करते कि इन्होंने जो हरप्रीत दोषी है जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो खिलाफ़ ऑलरेडी जोड़े 6 मुकदमे यही चोरी के घर पार्ट चोरी के जो मुकदमे दर्ज है अमृतसर में किसानों द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने पंजाब के किसानों को अपील की और कहा कि पंजाब के किसान अब जागरूक होकर ना केवल वैकल्पिक फसलों को अपना रहे हैं बल्कि साथी किसानों को भी नो वर्ण खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पंजाब के 12 जिलों में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही द नेचर कंजर्वेंसी के प्रोजेक्ट प्राणा से जुड़कर पहली बार अमृतसर
व आसपास के जिलों के प्रगतिशील किसानों ने प्रेस वार्ता कर पुनरुत्पत्ति वाली फसलों को अपनाने व मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के तरीके अपनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रंजन भट्ट ने कहा कि पंजाब में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जहां धीरे धीरे कम हो रही है, वहीं भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वैकल्पिक खेती से ना केवल आमदन बढ़ती है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए फसली चक्र से बाहर आकर आधुनिक खेती को भी वे अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आज मिट्टी को बचाने के लिए अभियान शुरू नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र भट्ट, मैं बतौर सीनियर सोयल साइंटिस्ट रीजनल रिसर्च स्टेशन कपूरथला से काम करता हूं। तो आज TNC वालों बहुत सोहना उपराला किया गया, इन्होंने वर्ल्ड सोया डे से आज का ये वर्कशॉप की है, जिद अही किसान वीर विचार भी सुने तो नाले किसान वीर दसिया भी है भी किस तरह ही अपनी जी पराल है उन्होंने सामभ सकते हैं, क्योंकि पराल के गल करिए तो तकरीबन 25% नाइट्रोजन तो फॉसफोरस, 50% सल्फर, 80% माइक्रोन्यूट्रिएंट, 50% जोड़े आना सल्फर के होर खादा होंगे, तो जो अं इन्हों अग ला दें तो अजाया ही चल जाएँ। इस करके अही उन्होंने दसिया कि अग ना लाई जाए तो खेत के पराल खेत के सामभिया जाए ता कि खादा की बचत भी की जा सके, क्योंकि जीवक मादा ये जो अं पराल सामभते हैं तो जीवक मादा में ऐड हों। हूँ पराल सामभन के दो तरीके हैं, खेत के भी तो खेत के बहर भी। सब तो पहला गल करा खेत के अज पंजाब तकरीबन 30 to 32 lakh हेक्टेयर रकबे से झुंड की काश्त होंगी है, जिस तो काफ़ी ज़्यादा पराल पैदा होंगे। असी ये दसिया है भी SMS मशीन कंबाइन पिछले लगिया हैं, तो जब कंबाइन चलती है कर देंदिया हैं, तो हैप्पी सीडर में आप बिजाई कर सकते हैं जो थोड़े छोटे है, जे वे मुडे रह गए तो मल्चर चला के बिल्कुल है एक सार पराल की छोटे छोटे टुकड़े करके मल्च होता है हैप्पी सीडर चला के कर सकते हैं। एलावा ऐतकी पंजाब खेती यूनिवर्सिटी लुधियाना ने सू PAU सीडर भी दिता है, वो ला के भी अही कर सकते हैं। हूँ जो गल करिए खेत के पराल में कट्ठा करिए बहर लै जाइए तो बहर किमें संभालिए, सब तो पहला गल करा पराली 4 की। साढ़े कृषि विज्ञान केंद्र अमृतसर में घर वो है लगा भी होया है, 14 foot बड़ा तो 12 foot चौड़ा साढ़े को तंदूर टाइप डैक होंगे है, दो खिड़किया होंगे हैं जिद तकरीबन 12 ton आप पराल जरा कट्ठा कर सकते हैं, तो उन्होंने अं 8 छोटे छोटे 14 मोहरिया होंगे हैं, 6 upper तो 8 thalle, आप पहले उपर अग लानी है बाद उपरली मोहरिया बंद कर दी तो थले अग ला देनी बाद चो, तो 10 to 12 घंटे विचकार बहुत सोहनी वधिया पराली 4 तैयार हो जाती है, तो 5 ton प्रति हेक्टेयर हिसाब न पा के आप खेतों अपनी खादा की बचत भी कर सकते हैं, जमीन की सेहत भी बढ़ा सकते हैं, तो जिद कि आप कहने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो आप वाल तुर सकते हैं। अपनी खादा की वरतों मिट्टी पर निर्धारित करो, पानी बचाया जाए तो पराल जी है खेत की पराल खेत विचकार ही सामभी जाए ता कि जमीन का जीविक मत वधे खादा की बचत घटे तो पंजाब का किसान खुशहाल हो। पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार शरारती और समाज विरोधी ताकतों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत धूरी पुलिस की ओर से शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के बाजारों में चेकिंग की गई। वहीं संदिग्ध लोगों के सामान की तलाशी भी ली गई। इस दौरान पुलिस का कहना था कि इस मुहिम का मुख्य मकसद समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करना था और उन्हें यह संदेश देना था कि वह समाज विरोधी गतिविधियां छोड़ दें। तो वहीं DCP धूरी ने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने शहर के एक मोहल्ले की भी तलाशी ली है जहां कोई संदिग्ध व्यक्ति है और जिनके ऊपर पहले से मामले दर्ज हैं उनके घरों की भी तलाशी ली गई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। आज चैकिंग असी एक स्पेशल चैकिंग की हैगी है जिसे वक्-वक् टीमां साडियां जिहड़ियां सीगियां उन्होंने जॉइंटली चैक किए आ डिफरेंट प्लेसिस जिवें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड ते क्राउडड प्लेसिस होर शहर दियां ने, पार्किंग एरिया चैक किए जिथे व्हीकल पार्क किए जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर जोड़े सानू कोई सस्पिशियस लग्या वो भी चैक किया है। इस तो इलावा कुछ जिहड़ियां बस्तियां ने जिथे हॉटस्पॉट से नशा रिलेटड वो भी असी मुहिम चला के अज सर्च की। कोई इदा दी कोई माड़ी चीज मिली, कोई शक्की या कोई अच्छी चीज़? कोई कुछ रिकवरी हुई है जी, जी बस्ती जो रिकवरी हुई है वो बारे तुहानू अपडेट कर देंगे। कुछ शराब मिलने की उत्थे सूचना हैगी है, तो इस तो इलावा जी ये वाली जी रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड वाली है असी सर्च कर रहे हैं, जो सानू कोई शक्की चीज़ या कोई शक्की व्यक्ति नज़र आता है तो उन्होंने असं राउंड अप करा। तुम नंबर भी वहीकलों के वेरीफाई किए ने, कोई लगे इस तरह का? कोई नंबर वहीकलों के चैक किए हाले तक तो कोई इदा का सस्पिशियस नहीं पाया गया, सारे सही पाए गए हैं, पर फिर भी हजे चल रही है
ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਅ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਜੇ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ। लगातार तीन बार विवादों में आने वाला जालंधर का मशहूर कुल्लड़ पिज़्ज़ा एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया। बीते दिनों भगवान वाल्मीकि चौक के पास मशहूर कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल का पड़ोसियों के साथ विवाद का मामला सामने आया था, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल और पड़ोसियों के बीच काफ़ी गाली गलौज हो रही है। इस दौरान दोनों में धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल के पड़ोसी विकास बत्रा की ओर से थाना डिवीज़न नंबर 4 में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते थाना डिवीज़न नंबर 4 के SHO मुकेश कुमार ने दोनों पार्टियों को थाने में बुलाया, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। फिलहाल दोनों पार्टियों में लिखित रजामंदी हो गई है। इस मामले को लेकर थाना 4 के SHO ने बताया कि कुल्लड़ पिज़्ज़ा के मालिक सहज अरोड़ा को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए कहा गया है और दोनों पार्टियों को इस मामले संबंधी 20 दिनों का समय दिया गया है। अगर फिर भी आने वाले 20 दिनों में इसका कोई हल नहीं निकलता तो कानून मुताबिक बनती कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक इतने अपने कुल्लड़ पिज़्ज़े वाले हैं जो सहज मालिक है, एक और नाल कोई गुआंढी थी, इन्हों का आपस में किसी गल्ल लैके तकरार होया थी, जो अजिहां दे मोहतबर बंदियां ने इत्थे साडे हाजरी विच आई जमा कराता। उहदे विच इह रखा वी जिहड़ा उत्थे शाम नूं मर जिहड़ा उत्थे आदमी दा उहदा कूड़ा वगैरह किल्लर दा ते उह नहीं किल्लर, इक उत्थे जिहड़ा अपने गड्डियां वगैरह सिक्योरिटी गार्ड रखो अपना, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸਹੀ ਲੱਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। माँ बंगलामुखी धाम नज़दीक लंबा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज के अध्यक्षता में साप्ताहिक बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान रविन्द्र बांसल से सपरिवार पूजा अर्चना के उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि जो जीवन में नियमों को मानता है, प्रकृति का सम्मान करता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि धीरज की भांति ही धर्म है, जो धर्म पर टिकता है उसका कल्याण निश्चित है। हर इंसान जीवन के हर धर्म को निभाए, जीवन में आप जिस भूमिका में है उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाना ही धर्म है। वहीं उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपने कर्मों से गिर जाता है उसे कोई नहीं संभाल सकता। इस अवसर पर संजीव सोंधी, प्रिंस कोंडल, राजेश अग्रवाल, मोहित बहल, सतीश गुप्ता, विक्रम भसीन, बाबा खन्ना, संजीव, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रलहन, राकेश प्रभाकर, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, गोपाल मालपानी, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, राघव चड्डा, मुकेश चौधरी, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, संजीव सांवरिया, मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, साबी लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। APJ स्कूल टांडा रोड जालंधर के कक्षा 6 एवं
आठवीं के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आसपास के लोगों को दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही समस्या ग्लोबल वार्मिंग से अवगत करवाया और पानी बचाने, बिजली बचाने और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई को रोकने का संदेश भी दिया। यह नुक्कड़ नाटक माई हीरा गेट, बाबा सोडल मंदिर और देवी तालाब मंदिर में आयोजित किया गया। वहीं छात्रों द्वारा लोगों को धरती की स्वच्छता बनाए रखने एवं इसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की समन्वयक दीप्ति कौशल, अलका चड्डा, ज्योति चड्डा और पूनम कलेर भी उपस्थित रही। उन्होंने छात्रों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर ज्योति चड्डा परिवार की ओर से सभी के लिए रिफ्रेशमेंट का आयोजन भी किया गया और आए हुए सभी गणमान्यों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। साढ़े सोडल चौंक के बीच टांडा रोड APJ स्कूल की ब्रांच के बच्चों ने प्रिंसिपल मैडम दीप्ति की देखरेख के बीच बड़ा अच्छा एक स्किट पेश किया, पर्यावरण तो किदा बचना। साढ़े एनवायरमेंट के असी पेड़ कट कट के साडे अपने एनवायरमेंट को खराब कर दिता, ताकि साडा पानी राही पोल्यूटेड कर दिता, जगह जगह कूड़ा सुट दिता। इसको बचाने वास्ते बच्चों ने बड़ा अच्छा संदेश दिता कि ज़्यादा पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और कूड़े करकट तो बचा करो। ये मैडम ने बहुत अच्छी मेहनत कराई बच्चों और बच्चों ने बहुत अच्छा संदेश दिता। कोऑर्डिनेटर APJ स्कूल टांडा रोड हैव ऑर्गेनाइज्ड अ सोशल अवेयरनेस ड्राइव थ्रू अ स्ट्रीट प्ले। वी वेंट टू द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। द मेजर हॉटस्पॉट्स वर सोडल चौंक, माहिरा गेट एंड देवी तालाब मंदिर। थ्रू दिस ड्राइव द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैव एजुकेटेड द जनरल पब्लिक अबाउट प्रिजर्विंग वाटर, सेविंग वाटर फॉर द फ्यूचर्स टू कम अहेड। तो गंदा ना कीजिए, पेड़ मत काटिए, इधर उधर कूड़ा करकट ना फैलाइए, प्रदूषण ना फैलाइए, पानी व्यर्थ ना कीजिए, जानवरों को मत मारिए। तो आओ आज हम सब मिलके प्रण लेते हैं कि अपनी धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे और इसे स्वच्छ और साफ बनाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का आतंक है, ग्लोबल वार्मिंग का आतंक है, समझौते हमारा अंत है, समझौते हमारा अंत है, ग्लोबल वार्मिंग का आतंक है, ग्लोबल वार्मिंग का आतंक है, समझौते हमारा अंत है, समझौते हमारा अंत है, धरती बचाओ, जीवन बचाओ, धरती बचाओ, जीवन बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग को दूर भगाओ, ग्लोबल वार्मिंग को दूर भगाओ, धरती बचाओ, जीवन। आम आदमी पार्टी चंडियाला गुरु के वर्करों ने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की पत्नी सुरेंद्र कौर की अगुवाई में दिल्ली MCD के चुनावों में हुई शानदार जीत की खुशी में आतिशबाजी की। लड्डू बांटे गए और भांगड़ा डालकर खुशी मनाई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री की पत्नी सुरेंद्र कौर ने बताया कि दिल्ली में MCD के इलेक्शनों में हुई जीत से चंडियाला गुरु के वर्करों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इसी तरह गुजरात में भी 5 जगहों पर जीत प्राप्त हुई है। इस मौके पर जिला प्रधान नरेश पाठक, ब्लॉक प्रधान चिनाक सिंह, मंगतराम फौजी, सरबजीत सिंह डिम्पी, ओंकार सिंह कंडा, सत्येंद्र सिंह, सुखविंद्र सिंह, संतोख सिंह, पाल सिंह, भूपेंद्र सिंह, अनीता डोगरा, सुनैना रंधावा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। तुसी देख ही रहे हो चंडियाला गुरु दे सारे आम आदमी पार्टी दे अहदेदार, वर्कर, वॉलंटियर्स सब इत्थे खुशी का जश्न मना रहे और उन्होंने चेहरे तो खुशी झलक रही है, जिदे नाल तुसी खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि किन्नी खुशी है, किन्नी फखर महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सारे अहदेदार, वॉलंटियर, सारे ही लीडर साहब। गुजरात हिमाचल की जीत प्राप्त हुई। हाँ, परमात्मा की इस तरह ही साढ़े पार्टी के उत्ते मेहर भरिया हथ रखन, साड़ी सोच वधिया और नीत साफ आ। इस करके नीत साफ रखो तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसीबल नहीं है। इम्पॉसीबल नू तोड़ के वेख्या जाए तो आई एम पॉसीबल और वह साड़ी पार्टी ने करके। बिल्कुल जी, दिल गार्डन गार्डन होया पिया वा। तो बस यो कहांगा कि पंजाब तो दिल्ली हमारी है तो कल गुजरात की वारी है। सारे देशवासियों जिहड़े आम आदमी पार्टी नू प्यार करते, जिन्होंने आम आदमी पार्टी इन्ना मान बख्शिया, उन्होंने वास्ते अच्छ बड़ा बड़ा वड्डा दिन है। मैं पहले कहा कि आम आदमी पार्टी वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान की जिहड़ी बहुत थोड़े समय में एक खेतरी पार्टी तो उपर उठ के राष्ट्रीय पार्टी बनन जा रही है और ये सारी टीम जी आम आदमी पार्टी प्यार करती है। साढ़े कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ साहब अच इतने नहीं है, उन्होंने ड्यूटी हैगी अपने रोल निभा रहे, लेकिन सारी टीम जी बहुत खुश है।
खुशी मना रही है जी। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दामोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस दौरान श्री श्री 108 महाराज स्वामी ने कहा कि जो इंसान सुबह शाम एक एक माला मां बंगलामुखी जी के महामंत्र के जाप का करता है, उसके सब बिगड़े हुए कार्य ठीक हो जाते हैं और घर में आ रही हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। दरबार में आई हुई सारी संगत का, सभी श्रद्धालुगण का अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। माँ भगवती हमेशा आपको रिद्धियां सिद्धियां और सर्व संपन्न करे, जीवन के हर सुख आपको प्राप्त हो और आपके जीवन की कोई भी महत्वाकांक्षा है उसको महारानी पूरी करे। माँ भगवती के इस पावन दरबार में हमेशा यहाँ पर जो वैदिक मंत्रों के द्वारा हम माँ भगवती का पूजन करते हैं, तो साथ में गोरक्षा के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और विश्व के कल्याण के लिए हम अपनी माँ भगवती, अपनी आराध्या देवी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस विश्वास के साथ कि हमारा संपूर्ण भारत पूरे विश्व पर अग्रणीय रहे और इस पर कभी किसी की बुरी नजर ना लगे, ऐसी हम महारानी से विनम्र निवेदन करते हुए अपनी अरदास करते हैं कि हे महारानी, हर व्यक्ति हर घर में खुश और समृद्ध रहे, अपने बच्चों में हंसता खेलता रहे, अपने जीवन के सभी आनंद माने और अपने जीवन को सार्थक करे और ये जो मानव के रूप में हम अपनी योनी भुगतने आए हैं वो एक समाज में, अपने देश में अपना नाम छोड़ के जाए, ऐसी हम माँ भगवती के आगे अरदास करते हैं। बठिंडा के संतपुरा रोड पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें दो व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिन्हें बठिंडा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस मौके पर डीएसपी सिटी विश्वजीत सिंह ने बताया कि कुछ युवकों का किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, जिस कारण फायरिंग की गई, जिसमें दो नौजवान जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ बनती कार्यवाही की जाएगी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस जगह पर आए दिन झगड़े होते हैं,
क्योंकि यहाँ पर नशेड़ी ज़्यादा आते हैं जो नशे की हालत में विवादों को अंजाम देते हैं। लोगों के मुताबिक पुलिस का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिस कारण नशेड़ियों को के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। सानू कंट्रोल रूम तो इन्फॉर्मेशन मिली सी कि रेलवे लाइन्स के उपर संतपुरा रोड के नेड़े फायरिंग हुई है, तो असी मौके पर आके देखे तो रेलवे लाइन्स के उपर जो GRP का एरिया उत्थे फायरिंग हुई है, तो दो परसन इंजर्ड ने, तो उन्होंने उम्र करीब 30 to 35 साल है जोड़े इंजर्ड। अजय इनिशियल स्टेज पर पता लगे इन्हों की कोई आपस तकरार से, जोड़ा अक्यूज है वह भी इस एज 30 to 35 साल है इस अराउंड एज दसया जा रहा, पर अगे इन्वेस्टिगेशन चो GRP वाले सारी कार्रवाई अमल च लिया रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। नकोदर में फिरौती की मांग को लेकर कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या, 30 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। फगवाड़ा के नजदीकी गांव पांचरा में आपसी रंजिश के चलते हुए विवाद में चली गोली, एक व्यक्ति घायल। जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अड्डा किशनगढ़ के नजदीक लुटेरों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को दिया अंजाम, नकदी मोटरसाइकिल चांदी का कड़ा और मोबाइल लूटकर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।